दोस्तों, आपका दोस्त संजय खुराना आपके साथ। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपको झंडेवालान मंदिर। झंडेवालान मंदिर एक तो सिद्ध पीठ मंदिर है जो माता वैष्णो देवी का रूप है, देवी झंडेवालान मंदिर। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत मान्यता है, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों इस मंदिर का मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन बताता हूँ। ये मंदिर जो है दिल्ली के झंडेवालान एरिया में बना हुआ है, करोल बाग में। और ये मंदिर का एक मैं बड़ी छोटी सी प्यारी सी हिस्ट्री है जो मैं बताता हूँ। दोस्तों इस मंदिर की जो हिस्ट्री है बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। आज से सालों पहले, हजारों साल पहले, ये जब पहाड़ियां हुआ करती थी, ये जो अभी शहर बसा हुआ है करोल बाग ऐसा नहीं था, पहाड़ियां थी, अरावली की पहाड़ियां थी यहाँ पे। तो जो यहाँ पे मार्केट बाजार लगता था, जो आज चांदनी चौक का बाजार है, यहाँ पे उस टाइम पे कपड़ा व्यापारी थे। कपड़ा व्यापारी यहाँ पे आते थे, रोज मॉर्निंग में आते थे और यहाँ पे साधना करते थे। एक बार वो अपनी साधना में बैठे हुए थे तो उनको ऐसा ख्याल आया कि जहाँ पे वो साधना करते हैं नीचे कोई ना कोई ऐसी मंदिर बना हुआ है। उसके बाद कुछ टाइम बाद उनको सपने में वो मंदिर प्रॉपर दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि वहाँ की जगह उतनी खरीद ली। खरीदने के बाद उन्होंने वहाँ पे खुदाई करवाई मजदूर लगा के, और नीचे जब खुदाई काफी गहरी करने के बाद एक माता की मूर्ति मिली, जो गुफा के अंदर एक माता की मूर्ति रखी हुई थी। दोस्तों उस माता की मूर्ति को जब वो निकालने लगे तो उनका वो खंडित हो गई। तो वो मूर्ति को फिर वहीं पर स्थापित कर दिया गया, जो आज की डेट में जो झंडेवालान मंदिर है उसकी गुफा के अंदर जो मेन मूर्ति रखी है वो वही है। उस समय जो उनका हाथ खंडित हो गया था उसकी जगह पे एक चांदी का हाथ लगा दिया दोस्तों। तो आज की जो फिर उस समय जब मंदिर मिला था उसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ था, तो वो झंडेवालान मंदिर के नाम से ही, झंडे वाली माता के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध हो गई। उसके बाद एक मेन मूर्ति ऊपर भी लगाई गई। अब ये जो है लोगों में इस चीज मंदिर की बहुत श्रद्धा है दोस्तों, दूर दूर से लोग आते हैं। और एक वैष्णो माता का रूप होने के कारण एक सिद्ध पीठ मंदिर के नाम से दिल्ली में हमारे जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। इसके दो रास्ते हैं, दो तरफ से आते हैं, रोड के दोनों तरफ से एंट्री है। तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और अंदर के दर्शन करवाता हूँ। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं मेन एंट्री है मंदिर की। यहाँ से आप देखिए लोग लाइन से अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं। मेन दरबार आगे है, एक रास्ता ये है दोस्तों। ये देखिए लाइन लगी है, आज वर्किंग डे है, बट यहाँ पे हमेशा ऐसे ही लाइन काफ़ी रहती है दर्शन के लिए। और दोस्तों शनिवार और मंगलवार यहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ होती है, लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे काफ़ी। और नवरात्रों के टाइम पे अगर मैं आपको बात करूँ, नवरात्रों पे तो दोस्तों यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती, यहाँ पे बाहर लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक की लंबी लाइन रहती है नवरात्रों के टाइम पे। और उस समय डेली जागरण, डेली जो है भंडारा चलता है यहाँ पे मंदिर में। ये रास्ता दोस्तों मंदिर एंट्री का। तो फ्रेंड्स आओ चले अंदर, ये मेन एंट्री है यहाँ से दर्शन के लिए। ये मेन रास्ता है दोस्तों, और यहाँ पे आप देखिए ये भंडारा हमेशा चलता रहता है। ये आप देखिए ये प्रसाद जो है हमेशा मिलता है यहाँ पे। ये मैं आपको अंदर का प्रीमिसेस दिखा रहा हूँ दोस्तों मंदिर का। जिस रास्ते से मैं आया हूँ एक अदर गेट भी है, वहाँ से भी एंट्री है। अंदर बहुत सुंदर मार्बल का सारा काम हो रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े बहुत नीट एंड क्लीन मंदिर रखा हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं अंदर का आपको भव्य नज़ारा दिखा रहा हूँ, कितना सुंदर मंदिर। झंडे वाली माता के लिए यहाँ पे जो जयकारा लगाते हैं, झंडे वाली माता तू ही तू, झंडे वाली माता तू ही तू, तू ही तू, ये हर जगह ही आपको सुनने के लिए मिलेगा। अंदर आगे देखिए हॉल बना हुआ है, चारों तरफ से एंट्री है। देखिए दोस्तों आप दर्शन कर लीजिए झंडे वाली माता के। दोस्तों आपकी भी कोई मनोकामना है वो आप मांग सकते हैं, माता आपके सामने है। बहुत सुंदर प्रतिमा है, बहुत श्रद्धा है लोगों की माता के लिए, झंडे वाली माता। झंडे वाली माता जो है वो वैष्णो माता का ही एक रूप है।
ये आप दर्शन कीजिए दोस्तों, बहुत सुंदर मंदिर है। देखिए दोस्तों, ये मेन प्रतिमा माता की वही है झंडे वाले, और ये छोटी छोटी मूर्तियां बनी हुई हैं, हनुमान जी की है, शिव जी की है, गणेश जी की, वैष्णो माता की। ये आप दर्शन कीजिए, लक्ष्मी माता, गणेश जी। शीतला माता, ये माँ की पावन ज्योति 24 घंटे जलती है यहाँ पे, और बहुत पवित्र ज्योति बोलते हैं इसको। फ्रेंड्स, अंदर से मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है, मेरा मन है मैं आपको यहाँ की एक एक चीज दिखाऊं। व्लॉग मेरा थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, बट ये दर्शन करना बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, अभी जो आप शिवलिंग के दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत सुंदर सिल्वर प्लेटेड पूरा शिवलिंग, और उसको बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से इस रूम को सजाया गया, और पूरा व्हाइट मार्बल बना हुआ, आप इसका दर्शन करें। ये देखो दोस्तों, कितनी सुंदर पावन शिवलिंग बने हुए हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा मंदिर मेरे साथ घूम के? मेरे को बहुत अच्छा लगा दोस्तों, बहुत पीस ऑफ माइंड मिला। झंडे वाला मंदिर एक सिद्धपीठ मंदिर है, यहाँ पे आके बहुत शांति मिली है दोस्तों। अंदर मैंने आपको सारा मंदिर घुमाया, आपको भी जब भी कभी लगे आप मंदिर में जरूर दर्शन करने आना, बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं इसी तरीके से आपके लिए आगे भी नए नए व्लॉग बना के लेकर आता हूँ।